Guys, I'm Manisha. Welcome to my channel, You with M. So guys, tension मत होइए और डरिए भी नहीं कि आप कहीं दूसरे चैनल पे आ गए हैं. ये वही चैनल है, ट्रायल एंड टेस्टेड, बट मैंने उसका नेम चेंज कर दिया है और हमारे चैनल का नाम है You with M. M for मनीषा और You means आप लोग. So guys, आज से हम लोग अपना चैनल का नाम You with M रखेंगे और जो हमारा ट्रायल एंड टेस्टेड है उसे हम उसका सब पार्ट करके ट्रायल एंड टेस्टेड कुकिंग वीडियोस कर लेंगे. और गाइस, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि मेरा और एक भी चैनल है, ब्रूस जीएसडी. सो उसके भी सारे जो वीडियोस हैं वो भी अब इसी चैनल पे आ जाएंगे और आप मुझसे और ब्रूस से भी इसी चैनल पे मिल पाएंगे. सो चलिए, लेट्स स्टार्ट. वेलकम टू आवर उड़ीसा स्पेशल सीरीज. और फर्स्ट एपिसोड तो आई होप आप सब लोगों ने देख लिया ही होगा और उसमें हमने बनाया था पहाल और रसगुल्ला. और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा फेमस डिश जिसका नाम है चौकुली. सो गाइस, उड़ीसा में, थ्रू आउट उड़ीसा ये डिश बहुत ही ज्यादा फेमस है और खास करके वेस्टर्न उड़ीसा में तो दिस इज द कॉमनेस्ट ब्रेकफास्ट यू विल एवर सी. हर घर में ब्रेकफास्ट चौकुली होना इज ए मस्ट. सो आज गाइस हम लोग ये सीखेंगे. और वन थिंग, उड़ीसा के बाहर गाइस चौकुली गेट्स कंफ्यूज विद डोसा या फिर रवा डोसा, बट चौकुली इज डिफरेंट. वो डोसा भी नहीं है और वो रवा डोसा भी नहीं है, वो थर्ड वेराइटी है इन दैट कैटेगरी. सो आज हम लोग वो बनाना सीखेंगे. और गाइस, वेस्टर्न उड़ीसा में उसका एक डिफरेंट ट्रेडिशनल पैन होता है जो कि सारे घर में है. सो लेट मी शो यू दैट. ये आप देख सकते हैं, ये है उसका ट्रेडिशनल पैन और इसे हम लोग उड़िया में बोलते हैं चौटू. ये बना हुआ है आयरन से और ये आपको हर घर में देखने के लिए मिलेगा. आई नो कि आप उड़ीसा से अगर नहीं है तो ये आपके घर में नहीं होगा. सो डोंट गेट वरीड, हम लोग इसमें भी बनाएंगे और हम लोग ये नॉनस्टिक पैन में भी बनाएंगे. सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से. सो गाइस, चलिए आइए देखते हैं कि चौकुली के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए. सो गाइस, उड़ीसा में जो ट्रेडिशनल चौकुली है वो बनती है ये छिलके वाली उड़द दाल से. बट डोंट वरी, अगर आपके पास ये छिलके वाली उड़द दाल नहीं है तो हम लोग ये व्हाइट उड़द दाल के साथ भी उसे बनाएंगे. हम लोग इसे दोनों तरीके से बना के देखेंगे. तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द दाल. इसका मेजरमेंट याद रख लीजिएगा 1:5 है, मीन्स 1 कप उड़द दाल के लिए आपको 5 कप राइस लेना है. तो ये मैंने 1 कप ब्लैक उड़द दाल ले लिए और अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 कप्स ऑफ राइस. और ये गए 5, इसे अब हम इन्हें भिगो लेंगे. इसे साइड कर लेते हैं और एक बोल में गाइस हम भिगो लेंगे ये अपने व्हाइट वाले उड़द दाल. इसमें भी हम लोग 5 कप चावल ऐड करेंगे. आइए ऐड कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसे भी हम भिगो लेंगे. सो गाइस, ये हमने दो अलग अलग बर्तन में ले लिए हैं. एक में हमने लिया है छिलके वाले उड़द दाल के साथ चावल, दूसरे में हमने लिया है व्हाइट वाले उड़द दाल के साथ चावल. और इसे गाइस याद रखिए, इडली के बैटर की तरह हमें फर्मेंट नहीं करना है. जब आप जनरली इडली बनाते हो तो आप उसे एक दिन पहले ही पीस के उसे फर्मेंट करने के लिए रख देते हो, लेकिन चौकुली के साथ ऐसा नहीं है. चौकुली में हमें फ्रेश बैटर चाहिए. सो अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए तो आप इसे रात में डिप कर लीजिए और सुबह अपने ब्रेकफास्ट करने से पहले इसे ग्राइंड कीजिए. अगर आप इसे शाम में, इवनिंग में स्नैक्स की तरह खाना चाहते हैं तो आप उसे उसी मॉर्निंग डिप कीजिए, बिकॉज इट विल टेक हार्डली 3 to 4 hours टू गेट सॉफ्ट. तो इसे हम साइड में रख लेते हैं और चलिए आपको दिखाने के लिए मैंने अपना बैटर रेडी रखा है, उसे ले आते. सो गाइस, हमें अपना पैन जो है वो गर्म चाहिए चौकुली के लिए. तो आइए पहले पैन चढ़ा लेते हैं. ये मैंने फ्लेम फुल रखा हुआ है और इसे हम गर्म होने के लिए यहीं पे छोड़ देंगे और तब तक हम अपना बैटर मिक्स कर लेंगे. सो मैंने ये टू टेस्ट सॉल्ट ऐड कर लिया है और ये डालेंगे इसमें पानी.
पानी आप कम 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 ऐड करते जाइएगा और इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा। ये डोसे से बिल्कुल पतली है और रवा डोसा जो है उससे थोड़ी सी ज्यादा ठीक है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, रवा डोसा इससे काफी ज्यादा थिन होता है और डोसा इससे ठीक होता है। इसी तरह चलिए आइए अपने व्हाइट उड़द दाल वाले बैटर को भी मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने ऐड किया टू टेस्ट सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिए। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है, आइए इसमें पहले ऑयलिंग कर लेते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया, इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे और ये रहा हमारा बैटर। अच्छी तरह से घुमा लें। कवर कर लेंगे। ये रखें। ये पक गया है लग रहा है। ये देखिए ये कुक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी चपली रेडी। अब गाइस हम लोग एक बार अपने जो व्हाइट वाला उड़द दाल वाला बैटर है ना, इससे भी बना लेते हैं। आइए चलिए, इसके लिए हम करेंगे अपने पैन की ऑयलिंग। इसे मैंने अच्छे से ऑयल फैला लिया है और ये हमारे व्हाइट उड़द दाल वाली बैटर, इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसे फिर से कवर कर लेंगे। ये देख लेते हैं, ये भी रेडी है। लेंगे और ये हमारी दूसरी वाली चकली भी रेडी है। सो गाइस ये हमने बना लिया अपने ट्रेडिशनल वाले पैन पे, तो अब चलिए चलते हैं हमारे दूसरे वाले पैन पे। इसे हम रख लेंगे साइड पे और अब हम इसे बनाएंगे अपने नॉनस्टिक वाले पैन पे ताकि आप भी आसानी से इसे बना पाए। ये नॉनस्टिक पैन भी गर्म हो चुका है तो हम इसमें भी ऑयलिंग कर लेंगे। नॉन स्टिक है, ज्यादा ऑयल चाहिए नहीं, फिर भी स्टिक ना हो। सो हमने थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया है और पहले हम बनाएंगे अपने ब्लैक उड़द दाल वाले बैटर से। ये गया हमारा बैटर। हम इसे कवर कर लेंगे। रिमूव कर लेते हैं और ये रेडी है छिलके वाली चकली। और अब हम फिर से बना लेंगे व्हाइट उड़द दाल वाली चकली। कवर कर लेते हैं
ये हमारे व्हाइट वाले उड़द दाल वाली चकुली रेडी है। अब कर लेते हैं गैस लो फ्लेम पे और अब हम इस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई। सो गाइस चकुली तो हमने बना लिया आपने देखा, बट अब हम इसे सर्व करेंगे किसके साथ। तो गाइस वेस्टर्न उड़ीसा में चकुली सर्व होती है मेनली टमाटो की चटनी के साथ। सो आइए वो भी सीख लेते हैं कि वो बनती कैसे है। लेट्स स्टार्ट। सो इसके लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई ये फ्लेम मैंने हाई पे डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और इस पे डालेंगे ये सरसों, उसके साथ थोड़ा सा जीरा। अब हम इसे अच्छे से पॉप अप होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़े से चॉप लहसुन, इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक और ये ग्रीन चिलीज, और उसी के साथ थोड़े से डालेंगे चॉप ऑनियन। इसे अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और फिर उस पे हम लोग ऐड करेंगे टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे अपने चॉप्ड टमाटो। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और सॉल्ट टू टेस्ट। इसे कवर कर लेते हैं और फ्लेम स्लो कर लेते हैं और इसे इसी तरह धीमी आंच पे हम 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़। सो ये टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। शुगर, शुगर आपके लिए ऑप्शनल है बिकॉज मुझे एंड मेरे भैया को थोड़ा सा मीठा वाला चटनी पसंद है, सो वी विल ऐड सम शुगर। तो ये जो चकुली एंड टमाटर है इट इज माय भैया फेवरेट, ही कैन हैव इट होल डे। अगर आपने ये बनाई है तो ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ही कैन हैव इट थ्रू आउट द डे, और उसके साथ उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, ही लव्स इट दैट मच। इसे आइए 2 मिनट और कवर कर लेते हैं। ना सो ये हमारी जो टमाटो की चटनी है वो बिल्कुल रेडी है। फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग बोल में। और ये हमारी चकुली दोनों वेराइटीज की और ये उसके साथ ट्रेडिशनल टमाटो की चटनी। सो गाइस ये थी हमारी आज की सेकंड रेसिपी चकुली विथ टमाटो चटनी, और हमने चकुली भी दोनों तरह की बना ली। एक है हमने बनाई है छिलके वाले उड़द वाली दाल से और ये है हमारे व्हाइट वाले उड़द दाल की चकुली, और ये हमारी स्पेशलिटी
टमाटो की चटनी। सो गाइस आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और रेसिपी जो मैंने आपको बताया वो समझ में भी आया होगा। सो प्लीज ट्राई इट एट योर होम और मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। थैंक यू, बाय।